आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ माय सिग्नेचर मेकअप लुक। जी हाँ गाइस, ये मेरा सिग्नेचर मेकअप लुक है। मैं कहीं भी ज़्यादातर कहीं पार्टी वार्टी में जाती हूँ तो कुछ इस तरीके से ही मेकअप करती हूँ। मतलब लाइट भी होता है थोड़ा सा, और थोड़ा सा मतलब ज़्यादा हैवी भी नहीं लगता है, तो कुछ इसी तरीके से मेरा मेकअप होता है। तो वेल हाय गाइस, मैं हूँ कोमल और आपका स्वागत है मेरे चैनल कोमल्स ब्यूटी में, जहाँ आपको होम रेमेडी, DIY और मेकअप ट्यूटोरियल देखने को मिलते रहते हैं। तो गाइस, आज का ये मेकअप लुक मतलब ना तो बहुत हैवी है ना बहुत सिंपल है, ठीक ठीक वाला मेकअप लुक है जो कि मैरिड लड़कियां इस तरीके से मेकअप लुक कर सकती हैं, और जो अनमैरिड हैं वो लिपस्टिक को थोड़ा लाइट रख के ये मेकअप लुक कर सकती हैं, और जिसकी नई नई शादी हुई है ना वो ये मेकअप लुक करेंगी अपने ससुराल में, तो बस सबकी चहेती और सबकी पसंदीदा बहू बनने वाली हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, ये है लैक्मे की मॉइस्चराइज़र फेस क्रीम, जिसको मैं हर बार अपने फेस पे लगाती हूँ। गर्मियों में प्रेफर भी यही करती हूँ मैं लगाना, क्योंकि ये अच्छे से आपकी स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है और चिपचिप से भी नहीं छोड़ता है। तो बस ये मॉइस्चराइज़ मैंने कर लिया है और अब इसके बाद प्राइमर लगा रही हूँ। प्राइमर मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट का प्राइमर, और इससे ये थोड़ा वाइट कास्ट छोड़ के जाता है। तो इसको मैं थोड़ा अपने फेस पे लगा लूँगी, और थोड़ा ग्लोई सा अगर मेकअप चाहते हैं ना तो इस तरीके से ये वाला प्राइमर आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये अपने, आप देख रहे हो ना, थोड़ा वाइट वाइट सा छोड़ के जा रहा है, वाइट कास्ट सा छोड़ के जाता है ये। और अगर आपको ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं चाहिए, कभी आप नॉर्मल सा कहीं कर रहे हो, तो आप इस प्राइमर को लगाने के बाद कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लीजिए और आपका बेस मेकअप तैयार हो जाता है। तो बस अब मैंने ये प्राइमर यहाँ लगा लिया है, इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे अपने पूरे फेस में, और इसके बाद मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़ कर लूँगी। तो यहाँ लिप को मॉइस्चराइज़ करने के लिए मैं लगा रही हूँ हिमालय का लिप बाम, और जैसे कि मैं अपनी वीडियो में हर बार बोलती हूँ कि आपको लिपस्टिक लगाने से पहले अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़ कर लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ IMS Dem का ये फाउंडेशन है, और ये दूसरा वाला है फेसेस कनाडा का। दोनों के रिव्यू मैं अपने चैनल पे कर चुकी हूँ, और आज मैं इन दोनों को मिक्स मैच करके लगाने वाली हूँ, क्योंकि एक मेरी शेड से बहुत ज़्यादा लाइट है और एक मेरी शेड जैसा है बिल्कुल है ही नहीं, पता नहीं कौन सी टोन का आ गया है यार। तो बस उन दोनों को मिक्स मैच करके आप देख लो, मेरी दोनों मेरी स्किन टोन का मैच ये फाउंडेशन बन गया है। तो इस तरीके से ये ट्रिक आप ट्राई कर सकते हो। तो डॉट करने के बाद मैंने ये फाउंडेशन इसको लगा लिया है, अब एक ब्यूटी ब्लेंडर के बाद मैंने इसको ब्लेंड कर दिया है, और देख रहे हो कि आप कितना अच्छे से मेरे स्किन टोन जैसा फाउंडेशन बनके तैयार हो गया है दोनों को मिला के। तो ये ट्रिक आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अगर आपका कोई भी फाउंडेशन कभी डार्क आ गया हो या कोई लाइट आ गया हो तो इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं। तो अब मैंने इसको पूरे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है फाउंडेशन को, और फाउंडेशन को ब्लेंड करने के बाद अब मैं यहाँ पे NYB का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करूँगी, कॉम्पैक्ट यूज़ करूँगी। इसमें SPF 50 है गाइस, तो आप इसको गर्मियों में ज़रूर यूज़ किया कीजिए, क्योंकि SPF 50 है। ज़्यादातर आप गर्मियों में वाले प्रोडक्ट यूज़ किया कीजिए जिसमें SPF होता है, जिससे कि आपका जो आप धूप में जाते हैं ना, तो धूप में जाते हैं तो इससे आपको प्रोटेक्ट मिलती है सन से, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ, तो स्विस ब्यूटी की पैलेट से मैंने ये कॉन्टोर लिया है, और इसको पहले मैं कॉन्टोर कर रही हूँ। गाइस, आज आपने एक चीज़ नोटिस की, मैंने यहाँ पे अपना आई मेकअप पहले नहीं किया है, आज मैं पूरा अपना बेस मेकअप रेडी कर लेनी हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे अपना आई मेकअप करूँगी, लास्ट में आज आई मेकअप करूँगी मैं, पता है आपको। और अब मैं यहाँ पर ब्रॉन्जर कर ले रही हूँ, क्रीम कॉन्टोर नहीं किया है मैंने, मैंने ब्रॉन्जर किया है यहाँ। तो इस तरीके से हल्का पुल्का आप ब्रॉन्जर कर सकते हैं अगर ज़्यादा हैवी लुक नहीं चाहिए इसलिए। तो मैंने नोज़ पे, चीक्स पे, जॉ लाइन पे, और थोड़ा सा फोरहेड पे, क्योंकि मेरा फोरहेड ना मतलब बड़ा सा नहीं है इसलिए। अब मैं यहाँ पे ब्लश लगा रही हूँ, तो ब्लश भी आपको स्माइल करते हुए लगाते चले जाना है, और ब्लश आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से कि आपको लाइट लेना है डार्क लेना है, जैसा भी आपको चाहिए आप उस तरीके से ले सकते हो। और आपको पता है आज मेरा मेकअप करते टाइम ना थोड़ा मूड बहुत अच्छा सा था, पता नहीं क्यों, पर मेरा मूड बहुत अच्छा था, अभी भी मूड अच्छा है मेरा। तो चलिए गाइस, अब मैं यहाँ पे अपना कंसीलर ले रही हूँ, मिस कौन सा था ये, मिस क्लेयर का कंसीलर है शायद, और ये अब मैं अपने थोड़े आईलेट पे लगा लूँगी, थोड़ा सा मुझे ज़रूरत लग रही थी अपनी आईलेट पे, और थोड़ा सा नोज़ पे हाईलाइट करने के लिए एक्चुअली मैं लगा रही हूँ, बस और कुछ नहीं है ना। तो थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ लगा रही हूँ, पहले मैं भूल गई थी तो मैंने बाद में यहाँ लगा रही हूँ, कोई बात नहीं, बट अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड करने के बाद, जैसे कि थोड़ा सा मेरा जो लिप्स के आसपास का, माउथ के आसपास का जो एरिया है ना पिगमेंटेशन वाला, वो थोड़ा सा हाइड हो जाए इसलिए बस, है ना। और ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करने के बाद एक कॉम्पैक्ट पाउडर से वही
एनवाइबे का कॉम्पैक्ट पाउडर है उससे मैं थोड़ा थोड़ा सेट कर लूँगी अपने कंसीलर को, जिससे कि वो क्रीज ना छोड़ जाए बस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपनी आईब्रो फिल कर रही हूँ। ये म्यूज़िक फ्लावर का जेल आईलाइनर है जिससे मैं अपनी आईब्रो फिल करती हूँ, ब्राउन वाला है ये, और अपनी आईब्रो को फिल कर लूँगी मैं यहाँ पे अच्छे से जिस तरीके से मेरा शेप है। तो गाइस आप देख रहे हो ना, मतलब आज मेरा मूड कुछ ज़्यादा अच्छा था, पता नहीं क्यों, हो सकता है इसलिए क्योंकि आज मेरा मेकअप थोड़ा, ये वाला मेकअप जल्दी निपट गया था मतलब, क्योंकि पहले मैंने बेस बहुत जल्दी रेडी कर लिया था, उसके बाद आई मेकअप किया था। एक्चुअली आई मेकअप करने बैठ जाओ ना तो फिर बेस मेकअप कर मतलब बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने पहले बेस निपटाया आज अपना। तो गाइस अब मैंने इस पूरी की हेल्प को फॉर्म करके आईब्रो शेड कर ली है और अब मैं यहाँ पे अपना आई शेडो लगा रही हूँ, अपना आई मेकअप कर रही हूँ अब फाइनली। तो ये ब्राउन वाला आई शेडो लेकर मैं अपनी क्रीज लाइन पे लगा रही हूँ। और क्रीज अब मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ, आज मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताऊँगी। आपको जो साइड से मैं टेप लगाती थी ना, आज मैंने टेप नहीं लगाया। आप देख रहे हो ना ये फेसेस कनाडा का ये ट्यूब है, फाउंडेशन ट्यूब, इसको मैं अपनी इन आउटर कॉर्नर पर रखूँगी, आईब्रो तक थोड़ा मैच करूँगी और इस तरीके से अब मैं शेप दे दूंगी आउटर साइड पे अपने, और आप देखेंगे कितना अच्छा शेप निकल के आ गया है। तो ये देख रहे हो ना आप, अब मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर ले रही हूँ, मेरी साड़ी से मैच करता हुआ कलर है, और इसको भी मैं उसी तरीके से पहले ट्यूब को रखूँगी और अपना ऑरेंज वाला आई शेडो लगाऊँगी और क्रीज लाइन पे भी लगाऊँगी इस तरीके से। ये वाला ऑरेंज वाला जो है ना, ये मैं पूरे अपने आईलेट पे लगाऊंगी, एक्चुअली पूरे आईलेट पे इसको मैं लगा दूंगी इस कलर को। तो अब आप देखिए, मतलब ये ट्रिक भी आप ट्राई कर सकते हो, ये फाउंडेशन के जो ट्यूब वाली है ना, फाउंडेशन का ट्यूब नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई भी ट्यूब ट्राई कर लीजिएगा यार, कोई भी कर लीजिएगा जो भी आपके पास हो। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे अपना आई का शेप दे दिया है और अब मैं यहाँ पे ये वाला शेड यूज़ कर रही हूँ। ये एक्चुअली हाईलाइटर है, स्विस ब्यूटी की पैलेट से मैंने लिया है और इसको मैं अपनी आई लिड पे लगा रही हूँ एक्चुअली। तो सिर्फ उतना ही आई लिड पे लगाऊंगी, सिर्फ उतना ही उतना, आप देख रहे हो ना इसी तरीके से लगाना है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे ना कुछ अलग से कुछ ट्राई करने की कोशिश की थी, शायद कुछ हो नहीं पाया और आई थिंक हो भी गया है, बट ठीक है अगली बार ट्राई कर लेंगे जो मैंने कोशिश की थी वैसे। तो अब मैं यहाँ पे ऑरेंज वाला कलर लेके थोड़ा सा उसके मतलब इधर उधर करके थोड़ा सा डार्क कर लूँगी अपने आई शेडो को ऑरेंज कलर लेके, जिससे कि तीनों मैच हो जाएं, कलर अलग अलग से ना लगे बस, है ना। अब मैं यहाँ पे आज एक चीज़ और करने वाली हूँ, मैं यहाँ पे ब्लैक लाइनर बिल्कुल भी नहीं लगाने वाली हूँ गाइज, मैं यहाँ लगाने वाली हूँ ब्राउन लाइनर। और आप देख रहे हो ना मेरा मूड कितना अच्छा है यार, मैं यहाँ गाना गा रही थी, गाना कौन सा था यार मुझे याद भी नहीं आ रहा अभी, और मैं गाना कौन सा गा रही थी, गाना था ओ हम सफ़र ओ हम नवा बेशर्त में तेरा हुआ। मैं तो यहाँ सिंगिंग कंपटीशन कर रही हूँ यार, मेकअप का वॉइस ओवर दे रही थी या सिंगिंग कंपटीशन, चलिए छोड़िए। अब मैं यहाँ पे विंग बनाते हुए लाइनर लगा रही हूँ और गाइस एक चीज़ और, मैं यहाँ पे ब्राउन जो लाइनर लगा रही हूँ ना उसकी एक वजह है, क्योंकि ब्लैक आईलाइनर लगाने से बोल्ड हो जाता थोड़ा सा मेकअप, है ना। तो मैंने अपने आईज़ को ना तो बोल्ड रखा है ना बहुत सिंपल रखा है, इसलिए मैंने ब्राउन ये लाइनर लिया है। और अब मैं अपने लोअर लैशेस पे लगा रही हूँ, ये जो स्टार्टिंग में मैंने आई शेडो लिया था ब्राउन कलर का वो लगा रही हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा ऑरेंज भी लगाऊंगी नीचे। और इस तरीके से लगाने के बाद अब मैं यहाँ वाइट काजल यूज़ कर रही हूँ। तो ये वाइट काजल है, स्टे क्वेके का वाइट काजल लिया है मैंने, और वाइट काजल अपने लगाने के बाद ना आप लुक देखेंगे ना, आई लुक बहुत चेंज हो जाता है यार, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है आई लुक, पता है मतलब आई लुक वाइट काजल से बिल्कुल, अगर आप सिंपल भी मेकअप करते हो सिर्फ वाइट काजल लगाएंगे तो बहुत सुंदर सी आपकी आईज रंगने लगती हैं यार, बहुत सुंदर। और अब मैंने मियोन का मस्कारा लिया है और इसको विगल करते हुए मैं अपने आई लैसेस पर लगा लूँगी, जिससे मेरे आई लैसेस एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं और बहुत सुंदर से दिखेंगे। और अब इसके बाद मैं अपने लोअर लैसेस पर भी लगा लूँगी थोड़ा सा, और लोअर लैसेस पर आप पता है मैं कभी लगाती नहीं हूँ, एक्चुअली पता है क्यों नहीं लगाती, क्योंकि मेरे लोअर लैसेस हैं ही नहीं यार, मतलब मुझे ऐसा लगता है लोअर लैसेस हैं ही नहीं मेरे, बहुत छोटे छोटे से मतलब हैं लैसेस, ज़्यादा लगते ही नहीं है, हैं कि नहीं यार, तो इसलिए मैं लगाती ही नहीं हूँ। अब मैं अपना फेवरेट वाला काम करूँगी, मस्कारा लगाने के बाद अपने आई लैश को कर्ल कर लूँगी, जिससे बहुत ही सुंदर सा कर्ल निकल के आ जाता है। और अब मैं यहाँ पर फॉल्सेस लगा रही हूँ अपने, तो ये जो फॉल्सेस मैं लगा रही हूँ ना गाइस, अगर आप लोग चाहते हो कि मतलब अगर आप जानना चाहते हो फॉल्स लेसेस कैसे लगाते हैं, अगर आपको लगाना नहीं आता है तो
तो बहुत सिंपल होता है लगाना, पहले मुझे भी लगाना नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे लगाते 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 मैं सीख गई हूँ और अब मैं फॉल लेसेस अच्छे से लगा लेती हूँ। तो गाइस अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं जल्दी वीडियो लेके आ जाऊँगी आपके लिए। और अब मैंने फॉल लेसेस लगा ली हैं, तो आप मेरा आई लुक देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना गाइस, है ना। तो बस ये मेरा आई लुक कम्प्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पर अपना लिप बाम थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ, एक्स्ट्रा वाला निकाल देती हूँ, और उसके बाद अब मैं यहाँ पर NYBA की लिपस्टिक लगा रही हूँ। ये इसका शेड नंबर याद नहीं आ रहा गाइस। एक्चुअली क्या, मैं सबके जो प्रोडक्ट मैंने यूज़ करे ना उन सबके लिंक मैं आपको नीचे मेंशन कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा अपने लिए जो भी आपको चाहिए, ठीक है। और अब मैंने ये लिप शेड लगा लिया है। तो गाइस एक चीज़ और, मैंने ना आप लोग देखेंगे कि मैंने अपना थोड़ा लिप कलर चेंज कर लिया है, क्योंकि पहले मैंने ये वाला लगाया था ना तो इसका क्या था, मुझे अच्छा लग रहा है ये कलर, ऐसा नहीं है कलर अच्छा है तभी तो मैंने लिया है यार। तो इस तरीके से मैंने कलर लगाया या फिर मुझे थोड़ा लगा कि नहीं यार इतना ये नहीं जा रहा है इसके साथ, तो मैंने अपना लिप कलर थोड़ा चेंज कर लिया था आगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपने हाइलाइटर लगा रही हूँ, तो पहले अपने आईज़ को हाइलाइट कर रही हूँ मैं अपने इनर कॉर्नर पे लगा के, और ब्राउ बोन पे लगा लूँगी जिससे मेरी आईज़ थोड़ी इन्हेंस हो जाए, अच्छी लगे मतलब। और हाइलाइटर लगाने के बाद आपका फेस आईज़ सब कुछ चमकने चमकने लगता है, ग्लो करने लगता है, तो ये पार्ट बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं तो नहीं करती, मुझे अच्छा लगता है हाइलाइटर लगाना, मेरा फेवरेट वाला पार्ट है ये। और हाइलाइटर लगाने से आपका फेस एकदम ग्लो करने लगता है, जैसे कि आपके फेस पे लाइट पड़ती है ना तो आप ही आप चमकने वाले होते हो कहीं भी पार्टी वार्टी में कहीं भी यार, है ना। तो इस तरीके से मैंने हाइलाइटर लगा लिया है अपना, और आप देख रहे हो ना नोज़ पे कैसे भर भर के लगा रही हूँ मैं क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है यार हाइलाइटर लगाना, इसलिए मैं भर भर के लगा लेती हूँ अच्छे से कि बस मैं ही चमकूँ चलिए छोड़िए, आप भी लगा सकते हो इस तरीके से। तो अब मैं यहाँ एक बिंदी लगा के अपना मेकअप लुक कंप्लीट कर ले रही हूँ, और मैंने यहाँ बहुत सारी बिंदी चेंज की थी यार, पता बहुत सारी बिंदी मैंने मतलब काफ़ी बिंदी चेंज करने के बाद तब मुझे एक ही बिंदी मिली फाइनल वाली। तो इस तरीके से मेरा मेकअप लुक कंप्लीट हो गया है, और मेकअप सेटिंग्स भी लगाना मत भूलिएगा गाइस, मैंने लगाया था वीडियो शूट करना भूल गई पता नहीं कैसे, तो मेकअप सेटिंग्स भी लगाने के बाद ये मेरा फाइनल लुक है। और अब मैं आपको बिल्कुल वाला फाइनल लुक दिखा देती हूँ ज्वेलरी पहनने के बाद वाला। तो ये देखिए गाइस, ये है मेरा फाइनल वाला मेकअप लुक, माय सिग्नेचर मेकअप लुक। तो कैसा लगा आप लोगों को, अच्छा लगा है कि नहीं लगा? एक्चुअली मुझे तो अच्छा लगा है, क्योंकि मैं ज़्यादातर ये करती हूँ इसी तरीके का मेकअप, तो बस थोड़ी सी हेयर स्टाइल बनाने की कोशिश की है मैंने, वैसे मुझे ज़्यादा हेयर स्टाइल नहीं आती है एक्चुअली मतलब आती है मुझे हेयर स्टाइल बनाना, लेकिन अपने ऊपर मैं नहीं कर पाती हूँ इसलिए मतलब हो ही नहीं पाता हेयर स्टाइल बनाना, ठीक है। तो बस इस तरीके से ये मेकअप लुक मैंने कम्प्लीट कर लिया है अपना, और आप लोग भी इस तरीके से मेकअप लुक कर सकते हैं कहीं भी पार्टी में। तो अगर ये मेकअप लुक अगर नई नवेली दुल्हन करती है ना, तो उसके ससुराल में उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ होने वाली है, और वो बहुत ज़्यादा सबकी फेवरेट वाली बहू बनने वाली है ऐसा मेकअप लुक करने के बाद, और सब लोग उसकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे ससुराल में, मैं बता देती हूँ, है ना। तो और आप लोग अनमेरिड हैं तो भी आप ये मेकअप लुक कर सकती हैं, सिर्फ लिपस्टिक का कलर थोड़ा चेंज कर दीजिएगा, लाइट कर लीजिएगा, तो ये मेकअप लुक आप पे अच्छा लगेगा, थोड़ी सी बिंदी हटा दीजिएगा बस। और अब मैरिड हैं तो फुल मेकअप करिएगा, ये वाला बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो गाइस आई होप आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये मेकअप लुक कैसा लग रहा है। मैंने तो अपने मुँह से बहुत तारीफ़ कर ली है, अब थोड़ी सी तारीफ़ आप भी कर दीजिए इस मेकअप की। तो मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, उसके बगल में एक बेल आइकन उसको ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके, और इसी तरीके से अच्छी आने वाली वीडियोस को आप लोग मिस ना कर पाएँ। और वीडियो को कर दीजिएगा शेयर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि कोई अगर नई नवेली दुल्हन है या फिर कोई अनमेरिड मतलब मैरिड कोई मैरिड गर्ल करना चाहती है मेकअप लुक, तो थोड़ा सा उसको हेल्प मिल जाए इस वीडियो को देखने के बाद बस, है ना। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं आपको दोनों के नीचे मेंशन कर दूंगी, तो देख लीजिएगा वहाँ से, और प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। और गाइस आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी का लिंक भी मैं आप लोगों को नीचे मेंशन कर दूंगी, तो देख लीजिएगा। और चलिए तो मैं आप लोगों से फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और गाइस प्लीज़ 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 अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो ना तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।